हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कम्युनिटी। सो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं नेचुरल गैस के जो फ्यूचर्स है वो यहाँ पर करंटली मार्केट में कैसे ट्रेड कर रहे हैं, और यहाँ पर स्पेसिफिकली आज के सेशन के लिए किस तरह का ट्रेड जो है बनाया जा सकता है लॉन्ग या शॉर्ट पोजिशन के लिए। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर सबसे पहले डेली बेसिस के हिसाब से देखते हैं तो कैंडल जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वॉल्टिलिटी जो है यहाँ पर हमें आज के सेशन के लिए देखने को मिली है। 198 का प्राइस लेवल ब्रेक हुआ है, बट क्लोजिंग उस प्राइस लेवल के ऊपर देखने को नहीं मिली है। 196.9 पर यहाँ पर क्लोज होते हुए देखने को मिला है। आवरली बेसिस के हिसाब से देखते हो डेफिनेटली यहाँ पर जो इंटरडे टारगेट्स थे वो अच्छी हुए हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया 198 का प्राइस लेवल ब्रेक हुआ है, एक अच्छा सा इंटरडे के अंदर 5 पॉइंट तक का जो टारगेट है वो अच्छी हुआ है। 5 पॉइंट नहीं, मतलब इंटरडे में आपका 2-3 पॉइंट भी अगर अच्छी होते तो मेरे हिसाब से अच्छी बात है। तो एक अच्छा सा प्राइस मोमेंटम यहाँ पर हमें देखने को मिला है, बट क्लोजिंग यहाँ पर उसी प्राइस लेवल के नीचे देखने को मिली है। तो स्पेसिफिकली अगर मैं यहाँ पर आज के सेशन की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा प्रीडोमिनेंट लेवल रहेगा फॉर टेकिंग अ शॉर्ट पोजीशन इन नेचुरल गैस, दैट विल बी एट अराउंड 187 के नीचे अगर यहाँ पर कैंडल जाती है, मूव करती है, देन वी कैन थिंक अबाउट टेकिंग अ शॉर्ट पोजीशन इन नेचुरल गैस फ्यूचर्स। एंड लॉन्ग पोजीशन के लिए यहाँ पर जो सबसे अच्छा प्राइस लेवल है वो है यहाँ पर 203 का, अबाउ द प्राइस ऑफ 203 वी कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट टेकिंग अ लॉन्ग पोजीशन इन नेचुरल गैस फ्यूचर्स। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और ट्रेडिंग पर्पज से मदद कर रही होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।